नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कौशल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी को मैथ के कुछ ऐसे प्रश्न को बताने वाला हूं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और जो बगल वाला बेल आइकन है उसे आप ज़रूर दबाइए। अगर आप हमें चाहें तो टेलीग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। यहाँ से आप फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है। क्वेश्चन है, कुछ समीकरण एक निश्चित स्वरूप के आधार पर हल किए जाते हैं, उसी आधार पर अनसुलझे समीकरणों का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है, यदि 6 × 3 = 27 है, 9 × 5 = 56 है और 13 × 9 = 88 है, तो 19 × 15 = यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि क्या लॉजिक यहाँ पर लगाया गया है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 6 × 3 और बराबर में कितना है, 27 है। तो अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि 6 और 3 को हम क्या करें जो हमारा यहाँ पर 27 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले क्या करें, इसे गुना कर लेते हैं। तो 6 को जब 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। अब देखिए 18 में हम कितना प्लस करें जो हमारा यहाँ पर 27 आ जाएगा, तो अगर हम इसमें 9 प्लस करते हैं तो हमारा यहाँ पर 27 आ जाएगा। अब देखिए यही लॉजिक हम क्या करेंगे, इसमें भी फिट करेंगे, तो कितना है, 9 × 5 है, तो इसे जब आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अगर 45 में अगर 9 हम प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है, 54 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपका 56 है और यहाँ पर कितना है, 54 है, तो आप तो कहेंगे कि ये नहीं आया, तो ये लॉजिक यहाँ पर हमारा फिट नहीं बैठा। तो चलिए हम देखते हैं, कुछ और लगाते हैं लॉजिक। तो 6 × 3 है और बराबर में कितना दे रखा है, 27 दे रखा है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि 6 का स्क्वायर करते हैं और 3 का स्क्वायर करते हैं, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर यहाँ पर अगर हम प्लस करें तो प्लस करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 36 में से अगर हम 9 को माइनस कर देते हैं तो आपका यहाँ पर 27 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें कि यही लॉजिक इसमें काम करता है या नहीं। तो क्या है, 9 है और 5 है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। जब इसे आप माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर 56 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 13 और 9 को करने के बाद यहाँ पर 88 आता है या नहीं। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 169 होता है, और इसमें माइनस कितना करना होगा, 9 का स्क्वायर यानी 81 यहाँ पर माइनस करना होगा। जब 169 में से आप 81 माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर 88 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं कि 19 का स्क्वायर करते हैं, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है, और 361 में से आपका 15 का स्क्वायर यहाँ पर माइनस करना होगा, तो 15 का स्क्वायर होता है 225। अब देखिए 361 में से आप जब 225 माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर 136 यहाँ पर आएगा, और यही आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, तो ये पैटर्न इस क्वेश्चन में यूज़ किया गया था। सो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कहता है कि दूध और पानी के 7 लीटर मिश्रण में 30% पानी है, इस मिश्रण में 3.5 लीटर दूध मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर मिलाया जा रहा है दूध, लेकिन पूछा जा रहा है आपको क्या, पानी का प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो देखिए अभी पानी का प्रतिशत कितना है, 30% है, कब, 7 लीटर में। जब यहाँ पर 3.5 लीटर जब दूध मिलाया जाएगा तो इसका मात्रा कितना हो जाएगा दोस्तों, 10.5 लीटर। अब इसमें पूछा जा रहा है कि आपका जो पानी का प्रतिशत है वह कितना होगा, तो सिर्फ आपको क्या करना है, किसमें देखना है कि पानी का प्रतिशत कितना होगा। तो 7 का 30% कितना हो जाता है, 2.1 लीटर हो जाएगा, 2.1 लीटर है। अब आपको निकालना था किसमें, 10.5 लीटर में, तो 10.5 लीटर आपको रखना है क्या, नीचे इंटू कर देना है आपको 100। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा, 21 से जाएगा ये 5 बार में, 5 से जाएगा ये 20 बार में, यानी कि 20% अब जो है पानी इस मिश्रण में है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एक लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु का क्रय मूल्य ₹1 है, उस पर अंकित मूल्य 200% है, 25% की छूट देने के बाद उसे ₹540 में बेचा जाता है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए रुपये में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है उसी तरह से हम यहाँ पर सॉल्व भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य जो है आपका कितना है, ₹1 है। अब यहाँ पर देखिए कहता है कि जो अंकित मूल्य है 200% है, किससे, आपका क्रय मूल्य से। अब देखिए कोई भी क्रय मूल्य अपने आप में 100% होगा,
जब इसका 200% बढ़ाया जाता है तो 100% वो और 200% ये, तो कितना हो जाएगा एक्स का आपका 300% हो जाएगा। ठीक है, तो परसेंट हम क्या करते हैं डायरेक्ट नीचे हम 100 लिख देते हैं, ये आपका हो गया क्या अंकित मूल हो गया। अब कहता है कि 25% का एक छूट भी देता है, अब 25% का एक छूट देगा तो ग्राहक से लेगा कितना, ग्राहक से लेगा 75%, यानी कि 75% होगा, तो परसेंट हम डायरेक्ट नीचे लिख देते हैं 100। अब ये किसके बराबर में है, अब है ये 540 के बराबर में। एक लाइन में इसका आंसर आप ला सकते थे, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, दो जीरो, फिर 25 से जाएगा ये तीन बार में, 25 से जाएगा ये चार बार में, तीन को जब तीन से गुना करेंगे 9, 9 से जाएगा ये 60 बार में, जब 60 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा एक्स का मान, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया 240 हो गया, ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। हम चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, कहता है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 के अनुपात में है, यदि मैदान की परिमाप 90 मीटर है तो उसकी चौड़ाई मीटर में क्या होगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लंबाई आपका कितना दे रखा है 5x है और चौड़ाई आपका कितना है 4x है। देखिए आयत का जो परिमिति है क्या होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लंबाई आपका 5x है और चौड़ाई आपका कितना है 4x है, तो 2 × 5x प्लस आपका हो जाएगा 4x, और ये किसके बराबर में है, ये है आपका 90 के बराबर में। तो देखिए ये दो से ये चल जाएगा आपका 45 बार में, और इसे जब आप प्लस करेंगे तो 5 × 4 कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, 9x बराबर आपका 45 हो जाएगा, 9 से जाएगा ये 5 बार में, यानी कि x का वैल्यू आपका कितना निकल गया 5 निकल गया। आपसे पूछा जा रहा था किसका वैल्यू, तो आपसे पूछा जा रहा था चौड़ाई का वैल्यू, यानी कि 4x का मान आपसे पूछा जा रहा था। x का मान यहाँ पर आपका निकल चुका है कितना 5 निकल चुका है, तो 4 × 5 जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन सी आपका सही है। ए 25 दिनों में 5/6 कार्य पूरा कर सकता है, बी उसी काम का 75% 30 दिनों में पूरा कर सकता है, और सी की कार्य क्षमता बी की तुलना में 60% अधिक है, तो ए बी सी को पूरा कार्य कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर समय देना होगा, तो देखिए कैसे आप इसे एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए ए, ए जो है 25 दिनों में कितना काम करता है 5/6 काम करता है, तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं कि ए इसी काम को करने में कितना समय लेगा, तो 5 से जाएगा ये कितने बार में 5 बार में जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 6 को जब 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए को काम कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, तो 30 दिन यहाँ पर समय लगेगा। बी का भी हम उसी तरह से निकालते हैं, बी देखिए बी कहता है कि 75% ये काम कितना दिन में कंप्लीट करता है 30 दिन में कंप्लीट करता है, तो 25 से जाएगा ये 30 बार में, 25 से जाएगा ये 4 बार में, 3 से जाएगा ये 10 बार में, जब 10 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। बी आपका कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा, तो आप कहेंगे 40 दिन में ये पूरा काम कंप्लीट कर देगा बी। अब देखिए सी के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सी का कार्य क्षमता है बी की तुलना में 60% अधिक है, तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं सी और बी, मानते हैं यहाँ जो बी है बी का कार्य क्षमता अगर 100 है तो सी का कितना हो जाएगा, सी का हो जाएगा 160, क्योंकि 60% यहाँ पर अधिक है, तो 100 का 60% कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ पर हम बी से सी का जब तुलना करेंगे तो सी का हो जाएगा 160 और बी का हो जाएगा 100, जब आप इसे कैंसिल करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 8 और ये आपका हो जाएगा 5। अब देखिए ये आपका कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता आपका निकल गया 8:5, तो जस्ट इसका जो उल्टा है समय होता है 5:8 इसका समय होगा। अब देखिए बी को यहाँ पर समय लग रहा है 40 दिन, तो सी को कितना समय लगेगा, तो जिसका निकालना है उसे रखना है ऊपर, तो समय देखिए यहाँ पर कितना है 5 है, तो 5 रखेंगे हम ऊपर और इस 8 को रखेंगे नीचे, तो 8 से जाएगा ये आपका 5 बार में, जब 5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, और सी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है 25 दिन में कर सकता है, तो तीनों का यहाँ पर काम निकल गया अलग अलग कितने कितने दिनों में कर सकता है। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है कि ए बी सी को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। हम क्या करते हैं कि इन तीनों का सबसे पहले एलसीएम लेते हैं और टोटल वर्क निकालते हैं, तो इन तीनों का एलसीएम आपका हो जाएगा 600। अब आप क्या करें कि ए का निकालें एक दिन का वर्क,
बी का निकालें एक दिन का वर्क और सी का निकालें एक दिन का वर्क, तो कैसे निकालेंगे, इस 600 से डिवाइड करके। तो ये आपका जाएगा 20 बार में, ये आपका जाएगा 15 बार में, और ये आपका जाएगा कितने बार में, ये जाएगा आपका 24 बार में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें ये पता चला कि ए एक दिन में 20 काम कर सकता है, बी एक दिन में 15 काम कर सकता है, और सी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 24 काम कर सकता है। यहाँ पर टोटल वर्क है कितना, तो 600 काम हमें करना है, और देखते हैं कि एक दिन में ये तीनों मिलकर कितना काम कर सकता है। तो इन तीनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। टोटल काम यहाँ पर था कितना, तो यहाँ पर टोटल काम था आपका 600, एक दिन में ये तीनों 59 काम कर सकता है। तो 600 काम करने में कितना यहाँ पर समय लगाएगा, तो 600 से आपको क्या करना है, सिर्फ 59 को यहाँ पर डिवाइड कर देना है। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे एग्जाम में। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।